हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रचित रोजा के एक न्यू वीडियो पर जिसका टाइटल है रिजल्ट डे इन इंडिया। तो टाइटल तो बहुत ज्यादा मजेदार है एंड बहुत मजा आने वाला है। ऑब्वियस बात है, स्कूल की चीजें होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स गो टू द वीडियो। हाँ भाई, रिजल्ट आने वाला है कल, तो अपना देखते हैं क्या होगा। मैं तो जैसे तैसे करके पास हो ही जाऊंगा, तुम्हारा क्या है भाई? मेरे बाबू ने भी इस बारी कह रखी है कि ईव की बारी जब तेरे 35% आ गए तो मैं बुलेट दिवा दूंगा। फिर क्या करना है, बुलेट लेके पूरा गांव मान दूंगा। और जो ना आए तो? ना आए तो क्या होगा, स्प्लेंडर रही मार दो रहा है। स्प्लेंडर लेके टोरा मारूंगा, पर मारूंगा जरूर। और मेरे पापा ने तो मुझे कह रखा है कि अगर मेरे 90% आ गए ना तो वो मुझे स्कूटी दिला देंगे। सही है यार, मतलब तू भी हैवी ड्राइवर। वैसे मेरे घर वालों ने भी बोला है कि अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए ना तो किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, और जो अगर गलती से फेल हो गया तो फिर युवा नेता बन जाऊंगा गले में माला डाल के, या फिर 4x4 का किराए पे कमरा लेके प्रॉपर्टी डीलर का काम खोल के बैठ जाऊंगा। तुम लोग का बढ़िया यार, रिजल्ट को लेकर सब लोग टेंशन फ्री हो। मेरा पता नहीं क्या होगा, पास भी होगा या नहीं। अब वो दुखी आत्मा, चिल करना, क्यों टेंशन ले रहा भाई, जो होगा देख लेंगे। अरे क्या देख लेंगे यार, अगर फेल हो गया ना तो देखेंगे तो मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे से। अबे ठीक है भाई, माना रिजल्ट का प्रेशर है, लेकिन एक रिजल्ट को लेके इतना नेगेटिव इंसान क्यों बन रहा है? अबे यार, जस्ट लुक एट मी भाई। और हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि लाइफ की हर सिचुएशन से डील करना आना चाहिए। भूल गया वो लाइफ का पर्पस तू? अरे वही तो है लाइफ का असली पर्पस, फिर भी हम लाइफ का वो लेसन भूल जाते हैं और पास और फेल होने की रेस में लगे रहते हैं। अबे तुम मुझे देख, मैं कितना बिंदास हूँ। पास हुआ तो ठीक है और फेल हुआ तो? तो अबे तो क्या यार, दुनिया में बतेरे दूसरे ऑप्शन है, कुछ और करेंगे ना भाई। क्या तो तू सही रहा है, 35% की टेंशन तो मेरे भी हो रही है, बुलेट का जो सवाल है। हाँ यार, टेंशन तो लेनी पड़ेगी, मेरी स्कूटी का भी तो सवाल है ना। अबे तुम ना वेस्ट ऑफ टाइम हो यार, क्या फायदा तेरा भाषण देने का, तुम ना टेंशन ही लेते रहो। अब चलो यार, छोड़ो यार, तुम कल मिलते हैं रिजल्ट के टाइम, चलो बाय। ठीक है भाई, जब अब्बा की। ओके गाइस। अब ओ तू कहाँ जा रहा है यार, तू तो मेरा पड़ोसी है भाई, साथ चल। हाँ चल। मम्मी, अब जब हम इतनी दूर घर का सामान लेने मार्केट आई गए हैं तो लगे हाथों मुझे नई ड्रेस भी दिला दो ना। अरे बेटा, हम मार्केट आए घर का सामान लेने, मैं तेरे को कोई ड्रेस नहीं दिलवाऊंगी, सीधे सीधे चल ले चुपचाप। और वैसे भी कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं पास भी हो गए या नहीं। तेरे को लेकर तो ये चिंता है कि तू टॉप करेगी या नहीं, लेकिन तेरे भाई को लेकर तो ये चिंता है कि वो पास भी होगा या नहीं। अरे बहू, तू इतनी चिंता लेकर क्या करेगी, जो होगा ना अच्छा ही होगा। मेरे पोता पोती दोनों बहुत समझदार है, जो भी करेंगे ना अच्छा ही करेंगे, मुझे उनका पूरा भरोसा है। अरे मम्मी जी, आपके लाड प्यार ने तो इनको बिगाड़ रखा है, वरना मैं तो इनको 2 मिनट में सीधा कर देती। तो तू क्या इनको रोबोट बनाना चाहती है? अरे बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ी बहुत मटर गश्ती तो करेंगे ही। भाई यार, इतना चिल कैसे है तू? सबको समझा के तो तूने भेज दिया, सच बता तेरे को 1% भी टेंशन रिजल्ट की? अबे रिजल्ट कोई चीज है टेंशन लेने की? भाई आईपीएल 2024 शुरू हो गया है, इतने एक्साइटिंग मैच चल रहे हैं ना, मैं तो शाम के 7 बजे सारा काम छोड़ के मैच देख के मजे ले रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस बार मेरी फेवरेट टीम आरसीबी कप जीत के रहेगी, बहुत इंतजार हो गया यार। इस साल कप नाम दे, तुझे क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? भाई मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि कौन जीतेगा इस बार। हाँ तो सोच ना और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बता एमपीएल ओपिनियो पर। एमपीएल ओपिनियो? भाई ये एमपीएल ओपिनियो क्या है बता जरा। ये है इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग गेम, यहाँ आईपीएल क्रिकेट और रिजल्ट से रिलेटेड किसी भी सवाल का सिंपल यस और नो में जवाब दो और डेली करोड़ों में जीतो। वाह यार, ये तो सही है भाई, मुझे भी सिखाना, मुझे भी बड़ा जीतना है। अबे तू ये देख भाई, जैसे वुमेन्स आईपीएल के इस मैच में मेरे को लगा कि आरसीबी जीतेगी, तो मैंने विल बैंगलोर विन द मैच पे यस सेलेक्ट करा और अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट करी और सबमिट कर दिया, और ये देख क्वींस ऑफ आरसीबी जीत गई और साथ ही साथ मेरी भी बड़ी जीत। अरे वाह यार, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ भाई बहुत सिंपल है। तो दोस्तों आप लोग सोच क्या रहे हो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप भी एमपीएल ओपिनियन डाउनलोड करो, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट ओपिनियंस यहाँ पर दो और डेली बिग विनिंग करो। चले अब? हाँ चलते हैं, आ जा। अरे ये तो अपना रचित है। अबे तुझे पता है अपनी सोसाइटी के बाहर ना नया मोमोज वाला आया हुआ है, अगर उसके मोमोज खा लेगा ना तू एक बार तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। अगर मैं कल पास हो गया ना तो सबसे पहले उसके मोमोज ही खा के आऊंगा भाई, मजा आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है, कल इसका रिजल्ट आने वाला है,
और ये इस आवारा राहुल के साथ यहाँ पे घूम रहा है जैसे इसको कोई परवाह नहीं है। रचित रचित मम्मी दादी स्वाति आप तीनों। हाँ और तू यहाँ पे क्या घूम रहा है, कब तक बाहर घूमेगा आवारा कहीं के, घर पे चल ले, सारा दिन घूमता रहता है, चल जल्दी घर। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ। चल ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है भाई। कमोन, यस। देखियो तू इस बार कप आरसीबी जीतेगी। अबे कल तो तू सीएसके को सपोर्ट कर रहा था और आज तू आरसीबी को सपोर्ट कर रहा है, ये क्या चक्कर है? माना यार सीएसके मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन आरसीबी के साथ अलग इमोशनल अटैचमेंट है यार, तू नहीं समझेगी। अच्छा मैं क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि तेरा ये ना ये इसलिए। अच्छा चल माना मेरा दिमाग घुटनों में है लेकिन तेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। बस। अरे यार मम्मी ये क्या कर दिया, टीवी क्यों बंद कर दिया? अच्छा भला मैच फंसा हुआ था। मैच फंसा है तुझे उसकी पड़ी है? कल तेरा रिजल्ट फंसा हुआ है, तेरे को उसकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। तू तो सारा दिन आवारों की तरह उस राहुल के साथ घूमता रहे, बस तेरा यही तो काम बाकी बचा है, और तो तेरे को कुछ काम नहीं है, और शाम को आके टीवी पे आईपीएल देख, यही तो काम बचा है तेरे पास। ये नहीं कि कल तेरा रिजल्ट है, थोड़ा सीरियस हो जाऊं, कल की तैयारी कर लूं। यार मम्मी एक बात बताओ, सीरियस होके क्या होगा, कल जो होना है वो तो होगा ही। बेटा याद रख, अगर कल तू फेल हुआ ना तो इस बार तेरे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगी, और फिर पूरा साल ना बोर्डिंग स्कूल में सड़ी हो तू। अरे क्या बहू कुछ भी बोलती है तू, अब तू इसको बोर्डिंग स्कूल में डालेगी? पता भी है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के नाम पे बच्चों को कितना टॉर्चर करती हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, होने दो इसको टॉर्चर, लेकिन अगर ये कल फेल हुआ ना तो इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज के रहूंगी, मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। बहू तू खामखा परेशान हो रही है, मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। माना कि बचपना है उनमें, नादानी करते हैं, पर समझदार भी तो है ना, वो तो तू समझ। ये तो आपको भी पता है वो कितने समझदार है कितने नहीं। स्वाति का तो चलो पता है मुझे, पास हो जाएगी, पर पास होने से होगा क्या, टॉप करे तब तो कुछ बात है। और इस लड़के का तो क्या ही बताऊं, ऐसा लग रहा है कि इसके तो पास होने के भी लाले पड़ेंगे। ये लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसकी उतनी बुद्धि कम होती जा रही है। अगर ये कल फेल हुआ ना तो इसको तो मैं बोर्डिंग स्कूल भेज के ही रहूंगी। यार मम्मी आप तो खामे गुस्सा हो रहे हो, थोड़ा सा मैच देख लिया और थोड़ा सा घूम लिया तो क्या हो गया, एग्जाम्स तो वैसे भी हो चुके हैं। मेरे को तेरे घूमने से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है तेरे आवारा दोस्त राहुल से, वो एक नंबर का नालायक है नालायक, और मुझे पक्का पता है उसके साथ रह के तू भी एक दिन नालायक बन जाएगा, और आधे से ज्यादा तो तू बन ही चुका है। अरे ये कैसा लॉजिक हुआ, अगर वो नालायक है तो उसके साथ रह के मैं कैसे नालायक बन जाऊंगा? सुना है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, और तेरी रंगत ना उसके जैसी होती जा रही है। मम्मी ये सब ना बकवास बातें हैं, मैं नहीं मानता ये सब, और पता नहीं आप क्यों मानते हो। देख देख पड़ गया ना उसका असर, करने लगा ना मेरे से बदतमीजी से बात, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल ही लेता है। अरे मम्मी लेकिन मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, कल तेरा रिजल्ट है, अगर तू फेल हुआ तो तू जाएगा बोर्डिंग स्कूल, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा बच्चों अब तुम जाकर दोनों जने सो जाओ, कल तुम्हारा रिजल्ट है ना और स्कूल जाना है तुम्हारा रिजल्ट लेने के लिए। अरे यार मेरा क्या होगा यार, अगर गलती से मैं फेल हो गया तो मम्मी तो फुल धमकी देके गई है, मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल देगी। पता नहीं इस बार मैं टॉप कर भी पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, बहुत डर लग रहा है, नींद भी नहीं आ रही। बाय चांस अगर मैं टॉप नहीं कर पाई तो मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, मम्मी को हर्ट करके ना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। गर्ल्स फीलिंग। मुझे लगता है इस बार बहू बहुत सीरियस है रचित के रिजल्ट को लेकर, और अगर रचित गलती से फेल हो गया ना तो बहू उसे बिल्कुल माफ नहीं करेगी और बोर्डिंग स्कूल भेजकर ही दम लेगी, और फिर मेरा पोता मुझसे बहुत दूर चला जाएगा और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। डिप्रेशन है भाई पूरे घर में। नेक्स्ट डे स्मार्ट
जल्दी, सो तुड़ू कहीं का, सोता ही रहेगा, तेरे को पता है ना आज रिजल्ट है, फटाफट से उठ, जल्दी उठ के तैयार हो जा, स्कूल चलना है, तू यहाँ पड़ा पड़ा सो रहा है, तेरे को पता है स्वाति कब से रेडी हो चुकी है, फटाफट उठ जा। बेटा दोबारा सोने की तो सोचियो भी मत, अगर फेल हुआ तो पता है ना क्या होगा। चलो बच्चों चलकर हाथ जोड़कर भगवान जी की पूजा कर लो, आज रिजल्ट है ना अच्छा होगा। ये लो बच्चों दही चीनी, ये लो बच्चों दही चीनी खा लो, शुभ काम करने से पहले खाना अच्छा होता है। चलो अब चलते हैं सब स्कूल। दुनिया है सारी नंबरों से बनी, टेंशन मत ले आ, बोलो बेटा एक दो तीन चार। पता नहीं रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट के चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाई। स्वाति बेटा तेरा तो मुझे पता है तू पास हो जाएगी, पर मैं तेरे को टॉप करते हुए देखना चाहती हूँ। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं भाई जैसी थोड़ी हूँ, मैंने ना एग्जाम में पूरी मेहनत करी है, सब अच्छा ही होगा। बेटा तेरे से तो मैं थोड़ी उम्मीद भी कर सकती हूँ, पर इस नालायक से तो मैं वो भी नहीं कर सकती। यार मम्मी आप तो कल से मेरे को ही सुनाए जा रहे हो, इस बात को तो कुछ बोल नहीं रहे हो, ये कुछ भी करे वो सही, मैं कुछ भी करूँ वो गलत, अरे ये तो सरासर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है ना। दादी हाँ तो वो तेरी तरह लापरवाह नालायक थोड़ी है, तू तो बस अपने नालायक दोस्त राहुल के साथ घूम, तेरे को तो बस वही आता है। मम्मी अब इसमें राहुल कहाँ से बीच में आ गया, और बाहर घूम के ना मैं दुनियादारी का ज्ञान लेता हूँ, जैसे किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान लेती है ना, ऐसे मैं बाहर घूम के ज्ञान लेता हूँ। हाँ हाँ ज्यादा शाना मत बन, जो तू घूम घूम के ज्ञान लेगा। अरे क्यों किचपिच चालू कर दी तुम लोगों ने, थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते? और बहू तू कुछ देर अपने ताने अपने पास ही रख, और देखो रिजल्ट अभी आया भी नहीं है और तुमने रचित बेटा को सुनाना भी शुरू कर दिया। अच्छा मम्मी जी अब आप भी इसकी साइड ले रहे हो क्या, एक तो ये गलती पे गलती करता रहे, नालायक पे नालायक बनता जाए, आवारा और लफंगे बच्चों के साथ घूमता रहे, और इसको मैं कुछ बोलूं भी ना, अभी तो पता नहीं ये क्या क्या गुल खिला के दिखाएगा। हाँ तो दादी बोल दो इनको, जितना ये मेरे को सुनाती है ना एटलीस्ट उसका 10% स्वाति को भी सुनाए। नहीं दादी आप बताओ, नहीं दुनिया भर की सारी गलतियाँ सारा नालायक पर मेरे अंदर भरा है क्या, इनकी बेटी तो कुछ करती ही नहीं है, वो तो राजा हरिश्चंद्र है ना, सारी गलती मेरी होती है, उसे तो कुछ बोला नहीं जाता। हाँ तो मम्मी जी बोल दो इसको, बेशक स्वाति थोड़ी बहुत गलतियाँ करती भी हो, लेकिन हर साल टॉप करके मेरा नाम ऊंचा करती है, इसकी तरह थोड़ी है जिसके पास होने के भी लाले पड़े हो। दादी अरे दादी बोल दो इनको, अब ना ये कुछ ज्यादा ही मेरी इंसल्ट करने लग रहे हैं, पानी ना सर से ऊपर जा रहा है अब। मम्मी जी बोल दो इसको, अगर एग्जाम में गलती से भी फेल हुआ तो अगला पता इसका बोर्डिंग स्कूल होगा। अरे चुप करो तुम दोनों, जब से बैठे हो चाचे पैर लगा रखी है। अरे स्कूल तक तो पहुंच लो तुम लोग, रिजल्ट देखा नहीं, गृह युद्ध पहले में जाके रखा हुआ है। लेकिन मम्मी जी नहीं बहू लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तूने रचित बेटा को जो भी बोलना है ना रिजल्ट के बाद बोलियो, और अगर ये फेल हो जाता है ना तो बेशक इसको बोर्डिंग स्कूल भेज दियो, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन दादी बस बेटा बस, अब कुछ नहीं बोलेगा तू, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब हम सब चुपचाप स्कूल चलेंगे बस। ठीक है फिर चलो स्कूल। भाई की बारी रिजल्ट की टेंशन घड़ी दिमाग में बैठ गई यार, दिल की धड़कन दोस्तों की स्पीड पकड़ रही है। हाँ यार पता नहीं इस बार क्या होगा, पास होऊंगा भी है नहीं। यार मैंने तो इस बार सुना है ना कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। अबे यार ये हमें स्ट्रिक्ट चेकिंग बोल के डरा मत, पता नहीं अब हमारा क्या ही होगा यार। और भाई लोग क्या हाल है? दादी राम राम, आंटी राम राम। नमस्ते आंटी, नमस्ते दादी, नमस्ते बेटा, नमस्ते।
ऑल द बेस्ट सब बच्चों को। थैंक यू दादी। दादी इनकी बारी तो तेरा आशीर्वाद चाहिए मैंने पास होने खातर। बेटा आशीर्वाद तो ठीक है लेकिन तेरी मेहनत भी तो रंग दिखाएगी। अरे दादी मेहनत मेहनत छोड़ो, ईव की बार तो बालक बता रहे हैं कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। देख ले स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, अगर इस बार तू फेल हुआ तो तेरे को बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी मैं। क्या यार मम्मी अब यहाँ भी शुरू हो गए। भाई वो रिजल्ट की लिस्ट लग गई। वो चलो ये रिजल्ट आ गया। वो रिजल्ट लग गया। चलो 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 चलो। सबसे पहले मैं जाके देखूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा। मुंबई में देखूंगा। हटो मैं देखूंगा सबसे पहले। अबे हटो यार। अबे हट जाओ यार। अगर फेल हो गया ना तो मेरे घर वाले बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे यार। मैं पास हो गई फाइनली। इस बार मेरी स्कूटी ओए मैं भी पास हो गया। अरे बेटे मैं भी पास हो गया। भाई साहब ये पप्पू जो आएगा बुलेट। ओ माय गॉड मम्मी दादी मैंने इस बार भी टॉप किया है। मम्मी आपने बोला था ना कि आप मुझे टॉप करते हुए देखना चाहते हो। मम्मी दादी मैंने पूरे स्कूल में टॉप करा है। मैं फर्स्ट आई हूँ फर्स्ट। वाह बेटा वाह। मेरे को तो पता ही है तू मेरी होनहार बेटी है। अब तू जो बोलेगी मैं तेरे को वो ड्रेस दिलवाऊंगी। शाबाश स्वाति बेटा। अब बस रचित भी पास हो जाए। ओए मैं भी पास हो गया 38%। मम्मी दादी पास हो गया मैं। अब तो आप मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेज पाओगे। पास तो हो गया पर ये बता तेरी परसेंटेज कितनी आई है। अरे वाह रचित तूने तो कमाल कर दिया। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा था। मैं तो बहू को कहती रहती थी कि हमारे बच्चे जो भी करेंगे बढ़िया ही करेंगे। थैंक यू दादी थैंक यू। एक आप ही हो जो मेरे को समझते हो। एक मिनट ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये बता तेरी परसेंटेज कितनी आई है। मम्मी मैं बताती हूँ भाई की ना 38% आई है। 38%? देख रहे हो मम्मी जी 38% लाके ऐसा खुश हो रहा है जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार दिया हो। हाँ तो मम्मी आपने बोला था पास होना है। अब आप ना अपने पॉइंट पे रहो। आपने बोला था अगर मैं फेल हुआ तो आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजोगे। लेकिन फेल तो मैं हुआ ही नहीं। मैं तो पास हो गया ना। ऐसे नंबर से पास होने का क्या फायदा जो किसी अच्छे कॉलेज में तेरे को एडमिशन ही ना मिले। यार मम्मी आपने तो हम बच्चों को एक्सपेक्टेशन की दुकान समझ रखा है। पहले पास होने की एक्सपेक्टेशन, पास हो जाओ तो अच्छे नंबर लाने की एक्सपेक्टेशन, अच्छे नंबर ले आओ तो फिर टॉप करने की एक्सपेक्टेशन, और टॉप कर लो तो फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ही एक्सपेक्टेशन। अरे कहाँ जाए हम। अरे बहू छोड़ ना, जो है जैसा है ठीक है। रचित बेटा पास तो हो गया ना। मम्मी जी पास होने से क्या होगा, पास तो कोई भी हो जाता है। अबे इसको क्या हुआ, ये कहाँ जा रहा है। ओए राहुल अबे कहाँ जा रहा है भाई। ओए अबे रुक जा राहुल। अब ये कहाँ चल दिया। और रचित बेटा। अरे रचित अबे राहुल कहाँ जा रहा है। अबे रुकना भाई। अबे राहुल यार तुझे हुआ क्या यार, मेरी बात तो सुन। अबे सुन भी नहीं रहा यार, पीछे तो मुड़ यार। अबे राहुल रुक। अबे भाई कहाँ जा रहा है तू। अबे यार राहुल तू कहाँ जा रहा है यार, रुकना भाई। यार राहुल कहाँ जा रहा है भाई। अरे बात तो सुन ले यार। अबे हुआ क्या यार तेरे को, तू बेवकूफ है। अबे भाई बात तो सुन। अबे क्या हो गया यार, तू रो रहा है क्या, कहाँ जा रहा है भाई। सॉरी मम्मी पापा मैं फेल हो गया, आपके एक्सपेक्टेशन पे मैं खरा नहीं उतर पाया। ओए अबे वहीं रुक, मुझे माफ कर देना। अबे राहुल क्या कर रहा है नीचे उतर। छोड़ मुझे। अबे छोड़।
अबे ये सब क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तेरे को शर्म नहीं आई? अबे इंसान है या कायर, ये क्या करने जा रहा था? अरे तो जी के भी क्या करूंगा, तू तो पास हो गया ना, लेकिन मैं फेल हो गया। अपने मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया मैं, अब उनको कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं यार। तो सुसाइड करने से तू पास हो जाएगा क्या, या अपने मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर देगा? चल मुझे एक बात बता, एक अच्छा गाना गाने से तू फेमस सिंगर बन जाएगा? नहीं। या फिर एक पोयम लिखने से तू एक फेमस कवि बन जाएगा? नहीं। या फिर एक बार खाना खाने से जिंदगी भर के लिए तेरा पेट भर जाएगा? नहीं यार, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तो फिर एक एग्जाम में फेल होने से तूने अपने आप को लाइफ में फेल कैसे मान लिया? भाई जिंदगी ना हमें हर मोड पे आजमाती है, कभी सक्सेस मिलती है तो कभी फेलियर, और ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम ही तो था। आगे चल के लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे फेस करेगा तू? और अगर तू एग्जाम में पास भी हो जाता तो क्या गारंटी कि फ्यूचर में तेरे को कोई और फेलियर फेस ना करना पड़ता? और मेरे भाई सुन, तेरी जानना इतनी भी सस्ती नहीं है कि एक मार्कशीट उस पे भारी पड़ जाए। भाई पर मम्मी पापा नहीं मानेंगे, वो लोग मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। भाई तेरी खुशी से बढ़ के तेरे मम्मी पापा के लिए कुछ है? अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो तेरे मम्मी पापा तेरे बिना कैसे जीते, कभी सोचा है तूने? अरे कम से कम ऐसा कदम उठाने से पहले अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने घर वालों के बारे में तो सोच लेता यार। क्या बीतती उनपे, कैसे जीते वो? क्या वो खुद को माफ कर पाते, या तेरे इस कदम के लिए तुझे माफ कर पाते? और अगर तेरे को अभी भी ऐसा लगता है ना कि मैंने तेरे को रोक के गलत किया, तो ठीक है फिर जो करना है कर। नहीं भाई, मुझे माफ कर दे, थैंक यू सो मच जो तूने मेरी जान बचाई। यार मैं क्या करने जा रहा था, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था यार। देखा बहू, भले ही मेरा पोता टॉपर ना हो लेकिन उसने आज किसी की जान बचाई है। इतना अच्छा काम तो शायद कोई टॉपर भी ना कर पाए। भले ही एग्जाम में उसकी परसेंटेज कम आई हो लेकिन मैंने उसे आज दिल से पूरे नंबर दिए। वो देखो जिनकी अच्छी परसेंटेज आई ना, वो वहाँ जश्न मना रहे हैं, और हमारा रचित सब छोड़ छाड़ के राहुल की लाइफ बचा रहा है। देखो अपना रचित और बच्चों के जैसा नहीं है जो अपने में ही खुश रहे। बहू वहाँ और भी कितने बच्चे थे, तुमने सोचा उनमें से और कोई क्यों नहीं आया? किसी को स्कूटी लेनी थी, किसी को बुलेट लेनी थी, किसी को कुछ और लेना था, लेकिन मेरा रचित राहुल के पीछे गया क्योंकि उसको उसकी परवाह थी। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रहे हो। एक रिजल्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आगे चल के हमारा लड़का कैसा इंसान बनेगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। अरे मम्मी जी, क्या बढ़िया एक्टर है, कितनी मजेदार एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मेरे को ना इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ। है ना रचित? और रचित जल्दी जरा। एक चतुर ना। हाँ मम्मी, बोलो क्यों बुला रहे हो? पता है ना भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। बेटा ये देख, ये जो एक्टर है ये तो तेरा दोस्त राहुल है ना? राहुल? हाँ है तो वही। बेटा इसे बातचीत कर, कुछ लिंक वगैरह निकाल, आगे जाके हमारे काम आएगा। मेरे को तेरे घूमने से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है तेरे आवारा दोस्त राहुल से। तू तो बस अपने नालायक दोस्त राहुल के साथ घूम, तेरे को तो बस वही आता है। बातचीत करूं इससे? लिंक बनाऊं? काम आएगा ये हमारे? जब इसके साथ रहता था तो क्या बोलते थे, एक नंबर का नालायक है, लफंगा है, तू इसके साथ रहेगा तो तू भी इसकी तरह नालायक हो जाएगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आज वो हो गया ना अपनी लाइफ में कामयाब, और मैं, मुझे देखो, आज भी ये भर्ती होने की तैयारी कर रहा हूँ। हालत भी बिल्कुल जंगली हो गई है, जंगली पागल हो गया हूँ, पढ़ पढ़ के पागल। ऐसा है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई लिंक बनाना है, ठीक है ना? कल मेरा SSC का एग्जाम है, रट्टा मार लेते हो, भर्ती हो जाऊंगा कहीं। अब 5 साल बाद याद आ रही है, लिंक बनाओ, बातें करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब मुफ्त में नहीं बताएंगे कोई भी ओपिनियन। सो गाइज, हमने वीडियो देख ली एंड वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि पूरी वीडियो सिर्फ फनी ही होने वाली, लेकिन एक मतलब स्टोरी बेस्ड था। हाँ, स्टोरी बेस्ड था और थोड़ा सा मोरल था इसके पीछे कि उन्होंने थोड़ा सा लास्ट में कुछ
बातें रखी हैं जो बहुत अच्छी थी, लाइक सबको समझना चाहिए इस चीज को, एंड शायद हर पेरेंट्स तक पहुंच जाए वीडियो तो मजा आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट बेस्ड हाँ तो हर पेरेंट्स कैन रिलेट, हाँ तो बहुत अच्छा था, मतलब हाँ हम एज अ स्टूडेंट हम इस चीज को रिलेट कर पा रहे थे, एंड मैं तो ये चाहती हूँ कि ये वाली वीडियो भाई हर पेरेंट्स के पास सबके पास पहुंचनी चाहिए, भाई सारे देखना प्लीज, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, हमें बहुत मजा आया, और गाइस आप लोगों ने हमारी वीडियो भी एंजॉय करी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।